Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Ash Joshi, and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 12th June, Friday, and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. Okay, so let's take first news. It is slum population most at risk, says ICMR. ICMR, Indian Council of Medical Research, का ये कहना है कि हम अभी एट प्रेजेंट इंडिया की जो स्लम पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे है। अब ये रिस्क किस फैक्टर पे है, तो हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। इंडिया करीब करीब यूके को ओवरटेक कर चुका है और फोर्थ पोजीशन पर जो है, फोर्थ हाईएस्ट केसेस वर्ल्ड के अंदर जो कोविड-19 के इंडिया में देखने को मिल रहे हैं और कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, है ना। तो उसी के चलते इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ये रिलीज़ किया है डेटा कि हमने जो फर्स्ट सर्वे किया है, सर्वे कोविड-19 के स्प्रेड का, उसके अंदर ये समझ में आता है कि अर्बन स्लम पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है फैक्टराइज है, या हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पॉपुलेशन है, या सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर जहाँ हम देख सकते हैं वो स्लम पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर जो है धारावी का नाम टॉप मोस्ट पे आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, मुंबई का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, दैट इज़ धारावी। इवन इंडिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है ये, जिसके अंदर जो है करीब करीब काफ़ी मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वहाँ से निकल कर आ रहे हैं मुंबई में, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, स्लम एरियाज़ में ये भी इशू रहता है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग या हाइजीनिक इश्यूज, इन सब को ध्यान में नहीं रख सकते। इन सब को जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें कर पाना इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ICMR, स्लम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे है और गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स उठाने ज़रूरी हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कांग्रेस रशेज टू गार्ड इट्स फोक इन राजस्थान। इट इज़ सच अ वेरी बिग न्यूज़, और वी कैन से व्हाट अ न्यूज़ एट ऑल। देखिए, अभी जो कार्यक्रम चल रहा है इलेक्शंस को लेकर, और ये सब चीज़ें हमें काफ़ी दिन से न्यूज़ में हैं और हम देख सुन पढ़ भी रहे हैं, और उसी स्ट्रैटेजी के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई है, एक नया स्टेप सामने आया है कि जो सीएम है, उन्होंने अशोक गहलोत, राजस्थान के सीएम, उन्होंने सारे एमएलएज़ को एक जगह पे एकत्रित कर लिया जयपुर के अंदर, और उसके तहत उन्होंने ये डिसीज़न दिया कि हम लोग इलेक्शंस तक, पोलिंग तक जो है यहीं पे रहेंगे एक साथ में। और इसका रीज़न उन्होंने ये बताया, जब उनसे पूछा गया कि कोविड-19 के चलते ये जो एलिमेंट्स हैं, आप मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग या अदर इश्यूज हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये जो चीज़ आपने की है, इट इज़ प्रैक्टिकली फाइन एट ऑल, तो उनके द्वारा ये कहा गया, उनके द्वारा एक्सक्यूज़ दिया गया कि उन्हें कहीं ना कहीं ये खतरा है कि कांग्रेस की जितने भी MLAs हैं या मेंबर्स हैं, उन्हें BJP गवर्नमेंट परचेज ना कर ले। उनके ऊपर जो है उन्हें पैसे दे करके और अपनी पार्टी की तरफ ना ले आए, ये जो ब्लेम है ये उन्होंने BJP पर लगाया है। उसके चलते उन्होंने ये कहा कि हम लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पर वर्क करेंगे। एंड कांग्रेस जो है गवर्नमेंट राजस्थान में काफ़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट रही है, तो हम उसके बेसिस पर इस स्ट्रैटेजी पर ही चलेंगे कि हमारी सत्ता हमसे छीन ना ली जाए। ओके, सो काफ़ी अजीब सा सिचुएशन हुई है, और एक रिजॉर्ट के अंदर एकत्रित हुए, इवन स्पेशल फ्लाइट स्पेशल जो है उसके थ्रू ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, कोविड-19 को बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं साइड में रख के, सारे नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन को साइड में रख के, अपनी सत्ता को बचाने के लिए सारे जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन करते हुए ये सभी लोग एकत्रित हुए, और उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया खुद की सत्ता का ना छिन जाना, है ना। सो इट इज़ प्रैक्टिकली अ वर्स्ट लेवल डिसीज़न एट ऑल। या ठीक है, अब सरकार ने क्या सोच कर डिसीज़न लिए हैं इस तरह के, क्या मिनिस्टर्स ने, इवन CM ने इस तरह के डिसीजंस किस बेसिस पर लिए, वो सारी चीज़ें बड़ी अजीब हैं।
और वो ही जान सकते हैं इन सारे मैटर्स के बारे में अब तक। लेकिन जितना उन्होंने जो बताया है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने जो चीज़ें क्लियर की हैं या जिस पर उनसे सवालों के जवाब मांगे गए, तो उन पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा है कि हमें ये डर है कि कहीं बीजेपी हमारी पार्टी के मेंबर्स को जो है अपनी तरफ ना कर ले, परचेज ना कर ले, या हम कह सकते हैं अपनी तरफ ना कर ले। तो ये जो चीज़ है इससे डरते हुए उन्होंने ये हरकत की है। और ये सभी लोग एक जगह रिजॉर्ट में, मैं आपको बता देती हूँ, एक जगह रिजॉर्ट में एकत्रित हुए हैं और सभी एक साथ में वहाँ पे जो सारे MLAs हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ठीक है, सो डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन एंड व्हाट इट इज़ एंड हाउ विच टाइप ऑफ स्टेप इज़ दिस। ओके, द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिकवरी पाथ स्टिल अनसर्टेन। ये कहना है CEA का। बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, बट हेयर एक चीज़ जो अभी तक कॉन्स्टेंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। वो अभी भी नहीं बढ़ी है। हमें उम्मीद थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के स्टार्ट होने के बाद में एक बार फिर से बूस्टअप होगी हमारी इकोनॉमी, लेकिन अब तक वो नहीं हुई है। हालांकि सरकार द्वारा और अन्य जितने भी क्षेत्र हैं उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी जो है अपग्रेड किया जाए, हम कह सकते हैं जल्दी से जल्दी उसके और भी अच्छी कंडीशन में उसे लाया जा सके, तो उसके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। और COVID-19 के लिए स्पेशली जो भी हो सकता है उन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे ये चीज़ कार्य करती है, कैसे सरकार जो है इस तरह के मुद्दों को हैंडल कर रही है, ठीक है, एंड कैसे जो है गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हुए इकोनॉमी को वापस अपने लेवल पे लाने पर कार्य करेगी। और उसके लिए सरकार के अलावा आम जन के सहयोग की भी सख्त ज़रूरत है। यदि आम जन व सरकार मिलकर इस पर कार्य करें तो डेफिनेटली इट विल वर्क अ लॉट। ओके, द नेक्स्ट इज IIT मद्रास टॉप इंस्टीट्यूशंस इन गवर्नमेंट रैंकिंग। गवर्नमेंट ने, HRD मिनिस्ट्री ने जो है NIRF डेटा रिलीज़ किया है जिसके तहत गवर्नमेंट रैंकिंग के तहत टॉप इंस्टीट्यूशंस को लिस्टेड किया है और उसमें जो है टॉप किया है IIT मद्रास ने। वहीं सेकंड पोजीशन पे है IISc बेंगलोर। ओके, सो इट इज़ अ गुड थिंग। एंड थर्ड पोजीशन जो कैरी कर रहा है वो है IIT दिल्ली। तो HRD मिनिस्ट्री द्वारा ये डेटा रिलीज़ किया गया था NIRF। इट इज़ बेस्ड ऑन दी टॉप इंस्टीट्यूशंस, 7 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ IIT एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज़ IISc, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दैट इज़ BHU, वर रैंक्ड एज द टॉप 10 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ 2020 में सबसे अच्छा रोल प्ले करने वाले ये इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है भाई? काफ़ी बार रिलीज़ होती है ये डेटा तो, और हमेशा ही रिलीज़ होता आ रहा है और जो है टॉप इंस्टीट्यूशंस का नाम भी लिस्ट किया जा रहा है। लेकिन इस बार इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि COVID-19 के चलते ऑनलाइन एजुकेशन को पास आउट करते हुए और भी कई तरह की सिचुएशंस को क्रॉस आउट करते हुए कैसे इन इंस्टीट्यूशंस ने टॉप किया है और कैसे इनकी परफॉर्मेंस टॉप पर रही है। ये चीज़ अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए देखने योग्य है और समझने योग्य है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशंस। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ दैट इज़ बेसिकली या इट इज़ मैन डाइज आउटसाइड गवर्नमेंट ऑफिस, बॉडी रिमूव्ड इन गार्बेज वैन। बेसिकली काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी छाया हुआ था। बेसिकली ये मुद्दा है बलरामपुर का, UP। उसके अंदर जो है पुलिस गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जो है एक आदमी की मृत्यु हो गई और उसे जो है गवर्नमेंट द्वारा, या हम कह सकते हैं पुलिस द्वारा, उस बॉडी को एक गार्बेज वैन में रिमूव किया गया, वहाँ से उठाया गया और गार्बेज वैन में ले जाया गया। तो ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, काफ़ी न्यूज़ में है कि गार्बेज वैन के अंदर एक पर्सन को, एक डेड बॉडी को कैसे उठाया जा सकता है। तो इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ एट ऑल। एंड उसी के चलते 3 पुलिसमैन जो है उन्हें, उनको मिलाते हुए 7 ऑफिशियल्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया है
और इसके ऊपर कार्यवाही भी जारी है. सो इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, और उस घटनाक्रम के चलते पुलिस द्वारा लिए गए इस कदम को कैसे जो है रिवर्स किया जा सकता था, कैसे इस घटनाक्रम को समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता था, है ना. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. या बट वी अभी तक कोई सस्पेक्ट नहीं हुआ है कि वो डेड बॉडी जो है उसे क्या COVID-19 के चलते डेथ हुई है, और भी कोई इशू है, ये अभी तक चीज़ जो है क्लियर नहीं हुई है. ये न्यूज़ जो है, ये इशू जो है, तभी क्लियर हो पाएगा जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके बारे में डेटा प्रोवाइड करवाएंगे. ओके, अभी तक तो यही हमारे सामने, हमारे पास जो न्यूज़ अवेलेबल है वो यही है कि 3 पुलिसमैन को मिलाते हुए 7 लोगों को जो है इस मुद्दे के चलते सस्पेंड कर दिया गया है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट हॉस्टल टेक ओवर फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटी. मैं आपको बता दूं कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्चेस जो हैं, इन दोनों ही हॉस्पिटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टल्स में जो है अभी क्वारंटाइन के लिए COVID-19 के चलते फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी. लेकिन अब बता देती हूँ मैं आपको कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया है. दे वॉन्ट्स देयर हॉस्टल बैक. उनका ये कहना है कि हमारे हॉस्टल को खाली किया जाए और क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए यूज़ ना किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जान या हमारी उस जो सिक्योरिटी है उसको पॉइंट आउट करता है, या उसके लिए ख़तरा साबित हो सकता है. उसके चलते स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे इस एरिया को, हमारी हॉस्टल्स जो हैं उन्हें खाली किया जाए. उन्हें ये डर है कि आने वाले टाइम में इवन जब रूटीन हम कह सकते हैं नॉर्मलसी आएगी या रेगुलरिटी आएगी, उस कंडीशन में हमें कोई कंडीशंस फेस नहीं करनी हो और COVID-19 को हम लोग सफ़र नहीं करेंगे. ठीक है, इस डर के चलते हुए ये घटना घटित हुई है. लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज़. बीजेपी हिट्स बैक सेज पवार गिविंग रॉन्ग इन्फो ऑन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. मैं आपको बता देती हूँ फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर जो पवार है उन्होंने गलत चीज़ बता दी थी. बेसिकली NCP चीफ हैं शरद पवार, उन्होंने एक अभी रिसेंटली एक प्रेस में, या हम कह सकते हैं एक प्रेस रिलीज़ के तहत ये कहा था उन्होंने कि फॉरेन में जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ओपन कर चुकी हैं और उस पर कार्य कर रही है, तो और एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवा रही है. इवन उन्होंने शेड्यूल्स इशू कर दिए हैं. उसके चलते बीजेपी ने उन्हें हिट बैक किया है, उस पर पूरी इंक्वायरी ली गई और ये पता चला कि ये बिल्कुल फेक स्टेटमेंट था. यूनिवर्सिटीज़ ने, चाहे आप ऑक्सफोर्ड ले लीजिए चाहे कैम्ब्रिज, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ ने किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की कोई सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुई है, और ना ही वहाँ पे इस तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है. COVID-19 के चलते सभी जगह पे सिक्योरिटीज़ को इशू किया जा रहा है. और शरद पवार का ही कहना था कि जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने इंस्टीट्यूशंस ओपन कर चुकी है और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है, देन वी शुड ऑल्सो गो फॉर दिस. तो इस तरह के स्टेटमेंट को जो है गलत ठहराते हुए उनको पॉइंट आउट किया गया है. इस तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इशू करने के कारण उन्हें जो है लाइमलाइट में लाया गया है, ऐसा तावड़े जी द्वारा बताया गया है. ओके, द नेक्स्ट इज फार्मर लीडर राजू शेट्टी मे गेट बर्थ इन काउंसिल. मैं आपको बता देती हूँ, राजू शेट्टी जो है फार्मर लीडर है, किसान नेता माने जाते हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई है NCP की, जिसके तहत उन्हें जो है जयंत पाटिल और हम कह सकते हैं स्वाभिमानी पक्ष चीफ राजू शेट्टी हैज़ ट्रिगर्ड स्पेकुलेशन ऑफ मिस्टर शेट्टी बीइंग ऑफर्ड अ सीट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट ऑफर की गई है, लेकिन इन्होंने जो है सहमति भी जताई, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये कहना है कि मैं अभी ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं अनाउंस करूँगा दैट आई एम गोइंग टू टेक माई डिसीज़न एंड वट एवर विल बी द डिसीज़न जल्द ही आपको पता चल जाएगा. ओके, सो कहीं ना कहीं इस तरह के पर्सन्स जो सोसाइटी या विलेजेस के लिए, या हम कह सकते हैं लोगों के लिए कुछ करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है. ओके, द नेक्स्ट इज़ द गांधीज मंडेलाज एंड
किंग ऑफ टुडे। बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे लोग जो है रेसिज्म, क्लासिज्म या कैलियस एडलेटिज्म इन सब की बात की जा रही है, जहाँ पे हर जगह पे नक्सलवादिता या जो काले गोरे का भेद है इससे संबंधित जो इश्यूज चल रहे हैं। US में सबसे पहले ये उद्भव हुआ इसका, और वहाँ से होते हुए अब जो ये आंदोलन एक तरह का चल रहा है ब्लैक और वाइट के बीच का, ब्लैक के जो अधिकारों का, ये जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है ये हमें याद दिलाती है गांधीयन फिलोसॉफी की, मंडेला जो है नेल्सन मंडेला उनकी फिलोसॉफी की, और मार्टिन लूथर की। बेसिकली ये सभी वो पर्सन हैं जिन्होंने वर्क किया है आज तक उन फील्ड्स में, उन एरियाज में जो कि काले गोरे के भेद को मिटाने, रेसिज्म और हम कह सकते हैं क्लासिज्म, ये क्लास डिफरेंसेस जो काले गोरे का भेद है, कलर बेसिस डिफरेंसेस, रीजनल डिफरेंसेस या जो रिलीजन बेसिस डिफरेंसेस हैं इस तरह के, या फिर जो राजा और प्रजा के बीच का जो डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें जो ये जो डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस जो एक आम आदमी को प्रताड़ित करने के लिए काफ़ी होते हैं, उन सारे डिफरेंसेस के अगेंस्ट इन्होंने आज तक बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है। और हम बात कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर उन लोगों की जो आज फिर से वही उसी तरह की लड़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली US में रिसेंटली व्हाइट हाउस के बाहर जो है प्रदर्शन देखा गया एक ब्लैक आदमी की जो है मृत्यु हो जाने पर, हम कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी के अंदर ये हुआ था आई थिंक, तो उसके चलते इस तरह का जो घटनाक्रम वहाँ क्रिएट हुआ है, जो सिचुएशंस वहाँ क्रिएट हुई है उसकी यहाँ पे बात की गई है। और ये बताया गया है कि वो लोग अगेन महात्मा गांधी, लूथर या हम कह सकते हैं मंडेला जो है नेल्सन मंडेला, तो इन सब की थ्योरी पर चलते हुए इनका ये कहना था कि आप नेल्सन थ्योरी, मंडेलास थ्योरी या आप गांधीन फिलोसॉफी पर चल रहे हैं तो आप गलत हैं। आप अगर हमारे नाम पे सब कुछ कर रहे हैं या कोई भी घटनाक्रम करने से पहले आप हमें याद कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन आप उन चीज़ों को याद कीजिए जो आपकी फिलोसॉफी पर बेस्ड है और जो आपका दिमाग जो कहता है आप उस पर चलिए, ना कि उस पर जो कोई एक पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटी करके गई है। बिकॉज हमें वो नहीं करना कि वो क्या करके गई है, हमें आज की सिचुएशंस को हैंडल करते हुए आज की कंडीशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है। सो दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन दैट ओनली। ओके, द नेक्स्ट इज़ बैक फ्रॉम द ब्रिंक, इट इज़ ऑल अबाउट LAC से रिलेटेड इशू है ये। रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच जो इश्यूज चल रहे थे, तो अभी जो है 6 जून को ये जो स्टेटमेंट आया था कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हो चुका है और पार्शियल डिसएग्रीमेंट की बात की गई है ट्रूप्स की, तो उसके चलते कहीं ना कहीं LAC जो है उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी वहाँ पे कंडीशन को। ओके, और ये एक राइट डायरेक्शन की तरफ एक स्टेप है और पहला स्टेप है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छे स्टेप्स देखने को मिले, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। ओके, और दोनों ही फेसेस जो हैं, दोनों अगर साइड्स की बात की जाए, दोनों ने काफ़ी लंबे समय से जो है सिचुएशंस को देखा है, ऐसे सिचुएशंस को जो कि काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी दोनों के रिलेशंस पर, है ना। काफ़ी एक महीने से करीब चाइना की ट्रूप्स भी हैंडल कर रही थी सिचुएशंस को, वहीं पे इंडियन ट्रूप्स भी जो है काफ़ी फेस कर रही थी उन वर्स सिचुएशंस को जो कि चाइनीज़ ट्रूप्स ने क्रिएट की थी। और बेसिकली ऑन June 9 इंडियन आर्मी सोर्सेज प्रेजेंटेड अ मेजर्ड अप्रेजल of what had been agreed to at the corps commander level talks, commander level पे जो talks हुई है जिसके basis पर troops agree हो गए हैं अपने अपने यथास्थिति जाने के लिए, और जो situations है normal जैसी पहले थी उन्हीं situations को create करने के लिए दोनों level की जो governments हैं, दोनों level के commander level पे जो talks हुई है, तो challenges को जो है continue करते हुए we are going to take a normalcy, we are trying to take a normalcy, okay? तो दोनों ही एरियाज जो है उन्होंने 5 ऐसी लोकेशंस देखी है जो कि कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं, नाकुला सिक्किम की अगर बात करें या वेस्टर्न सेक्टर जो है लद्दाख का, तो ये सारे पोर्शंस जो है 5 स्पॉट्स जिसकी बात की गई है वो पॉइंट 15, 14, 17 चुशुल एंड नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लिंक लेक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये 5 एरियाज ऐसे हैं, 5 हॉटस्पॉट हैं जिनके ऊपर ये सारा कार्य पुलिस की जो सेनाएं हैं जहाँ पे
पेट्रोलिंग हो रखी है ऑलरेडी इन एरियाज में, है ना। अ ब्रॉड प्लान हैज़ बीन अग्रीड टू होल्ड अ सीरियस ऑफ सीरीज ऑफ टॉक्स टू और एट लोअर रैंक ऑफ कर्नल ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल फोर ऑफ दोज पॉइंट्स इन द कमिंग वीक टू टेक फॉरवर्ड द डिस एंगेजमेंट प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, आगे ले जाने के लिए कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल और जो है लोअर रैंक्स ऑफ कर्नल एंड ब्रिगेडियर्स एंड मेजर जनरल्स फोर जो हम कह सकते हैं ये सारे जो सेक्टर्स हैं, ये सारी जो सीरीज़ हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं वापस नॉर्मलसी लाने के लिए। देयर हाउएवर अपीयर टू बी सीरियस डिफरेंस ऑन पेंगोंग लिंक। मैंने आपको बताया पेंगोंग लिंक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेंगोंग लेक जो है ये आप मुझे बताएंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। विच में एक्वायर अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स एट द कॉर्प्स कमांड लेवल, जिसके कारण फिर से हायर लेवल टॉक्स भी हुई कमांडर लेवल की। एंड चाइनीज ट्रूप्स हैव डग इन एट द फिंगर फोर एरिया ऑन द लेक्स नदन बैंक। इस लेक के नदन बैंक पर फिंगर फोर एरिया में जो है चाइनीज ट्रूप्स ने डगिंग की थी, ओके, एंड स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC। और वो एरिया अभी भी, मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया के साइड में आता है। तो इंडियन साइड ऑफ एरियाज में चाइनीज ट्रूप्स द्वारा कोई भी हरकत करना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है हमारी सिक्योरिटी पर, ठीक है। विच रन्स एट फिंगर 8, जो फिंगर 8 तक जाती है। द फिंगर 1 to 8 रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेफर्स टू माउंटेन स्पर्स ऑफ द नॉर्थ बैंक। बाय इरेक्टिंग टेंट्स चाइना हैज़ यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को। बेसिकली देखिए, घटनाक्रम जो घटित हुआ है उसके चलते चाइनीज ट्रूप्स ने काफ़ी सारे ऐसे एरियाज है जो इंडियन उसके अंदर आते हैं, इंडियन सिचुएशंस इंडियन टेरिटरी में आते हैं, उन सारे एरियाज को और काफ़ी ऐसे एरियाज जो मल्टीपल यूजेस के लिए, मतलब दोनों जो कंट्रीज़ है वो कॉमनली उसे यूज़ कर सकते हैं, उन एरियाज के अंदर चाइनीज ट्रूप्स ने जो है यथास्थिति को भंग करते हुए, मतलब अपनी जो नॉर्मल कंडीशन थी पहले की उसे डिस्टर्ब करते हुए वहाँ पे टेंट्स जो है इम्पोज कर दिए और भी कई तरह के घटनाक्रम उनके द्वारा वहाँ किए गए। उसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अपोज किया इस स्थिति को और हमारे ट्रूप्स भी वहाँ पे तैनात कर दिए गए। तो काफ़ी जो है कश्मकश देखने को मिल रही थी हमें मई से लेकर के इट इज़ जून, काफ़ी एक महीना हो चुका है अप्रॉक्स, काफ़ी कश्मकश काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वहाँ पे उस एरियाज में देखने को मिल रहे थे। उसके चलते अब जहाँ पे नॉर्मल सी लाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे कार्य करती है और क्या ये जो टॉक्स आपस में चल रही है लोगों की, दोनों ट्रूप्स की, वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है या क्या ये कुछ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाती है या नहीं, ओके। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग, सेम जो केस है वो यहाँ पर डिस्कस किया, अ केस ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी। ये चाइना और इंडिया के रिलेशंस पर बेस्ड है और उसी पर बेस्ड है ना, जो इशू अभी चल रहा है LAC से रिलेटेड उसी पर बेस्ड है। तो आप इसे खुद से पढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करता है, ठीक है। अ बेटर रेट, देखिए रिकवरी रेट बढ़ रही है काफ़ी हमारे COVID-19 के चलते और काफ़ी अच्छे जो है डेटा सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो डेथ रेट्स है वो कम नहीं हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि डेथ रेट या फिर जो पॉजिटिव केसेस की रेट्स हैं वो जो है सामने आ गई है, ऐसा नहीं है। कोई भी जो सिर्फ रिकवरी रेट जो है वो ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन डेथ रेट और हम कह सकते हैं COVID-19 के पॉजिटिव केसेस जो है वो अभी भी एज इट इज़ बढ़ रहे हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, रिकवरी रेट भी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी एक्टिव केसेस और डेथ टोल्स भी कम नहीं हैं। द राइज इन द रिकवरी रेट इज़ कॉज ऑफ चीयर्स बट इट गिव्स नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कहीं ना कहीं जो है ये एक सेटिस्फैक्शन भी देते हैं कि हाँ रिकवरी रेट्स बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी जो सिचुएशंस है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट डेटा। आप COVID-19 पर बेस्ड है ये आर्टिकल, इसे भी आप रीड करेंगे और वही सब कुछ दे रखा है जो COVID-19 से रिलेटेड है। हम इतने दिनों से जो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे डेटा बढ़ रहे हैं, क्या नंबर्स बढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग
वर्ल्ड में टॉप कर पर जा रहे हैं, कैसे हमने लॉकडाउन के चलते सिचुएशंस को कंट्रोल किया और अब लॉकडाउन के बाद भी सिचुएशंस कैसे वर्स्ट होती चली जा रही हैं। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी कंडीशंस, ये सारे डेटा इस आर्टिकल में दे रखे हैं और कैसे हम आने वाले टाइम में इससे ओवरकम कर सकते हैं सिचुएशन से, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दे रखी हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक द नेक्स्ट इज़ वर्क फ्रॉम होम फिजिबल इन द लॉन्ग रन। क्या घर से कार्य करना लंबे समय के लिए एक अच्छी जो है घटना के रूप में, या कहीं ना कहीं पॉजिटिव वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि क्या घर से कार्य करना, वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक लंबे रेस का घोड़ा बन पाता है या नहीं। तो ये उस पर बेस्ड है काफ़ी। अब क्योंकि हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाते हैं कि क्या हम जो कार्य कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, वो किस हद तक जो है इस कंपनी या इंस्टीट्यूशंस, चाहे आप गवर्नमेंट ले लीजिए चाहे प्राइवेट ले लीजिए, कैसे आप उनको प्रॉफिट दे पा रहे हैं या नहीं, कैसे आपसे प्रॉफिटाइज हो रहे हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन वर्क फ्रॉम होम, कितना जो है जो हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबल है, कितना वर्क कर रहा है, किस लेवल पे इफ़ेक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दे रखी है। कई सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या बाद में भी ऐसे सिचुएशंस को चलाया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, क्या वर्क फ्रॉम होम आज भी जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं वर्क फ्रॉम होम में, उनको लगता है कि COVID-19 के बाद भी अगर ये सिचुएशंस रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, वी आर हैप्पी टू डू दिस। इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि हाँ, ये वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं अच्छा ऑप्शन है, इससे काफ़ी अच्छा वर्क भी हो रहा है और काफ़ी अच्छे आउटपुट्स भी आ रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है लोगों में आलस, या हम कह सकते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहा, वर्क एनवायरनमेंट वर्क फ्रॉम होम से क्रिएट नहीं हो सकता। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। काफ़ी सारा डेटा उस आर्टिकल में दे रखा है, आप उसे पढ़िए, काफ़ी क्वेश्चंस जो है, काफ़ी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज़ डिवोटीज Not to be allowed at सबरीमाला। सबरीमाला टेम्पल जो है, अयप्पा टेम्पल, वो संडे को ओपन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबरीमाला अयप्पा टेम्पल जो है, मंथली रिचुअल जो होता है मलयालम मंथ के अंदर, मिथुनम के अंदर, मिथुनम का जो होता है वो जो है वो ओपन नहीं होगा, उसके चलते गैदरिंग नहीं होगी। ठीक है, डिवोटीज आर नॉट अलाउड टू बी देयर। एंड उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है ये ओपन ज़रूर हो जाएगा संडे को, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू डू दी गैदरिंग्स एंड डिवोटीज आर नॉट अलाउड टू बी देयर। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। तो ऑलमोस्ट सारा न्यूज़ आर्टिकल्स मैं जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सारी कवर कर चुकी हूँ, और जितना मुझे लगता था कि जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए वो सारी न्यूज़ कवर कर चुकी हूँ। इंडिया रिमूव्स एक्सपोर्ट बैन ऑन HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के ऊपर जो बैन लगाया गया था एक्सपोर्ट करने पे, उसे रिमूव कर दिया गया है, और करीब 20% फर्म जो है वो सप्लाई कर रही है, प्रोडक्शन मार्केट भी चल रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी करीब 20% हिस्सा जो है हम इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन प्रोडक्शन का वो जा रहा है। तो इसके ऊपर जो बैन था उसे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं यहाँ कवर कर चुकी हूँ। इफ़ आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। इसके अलावा अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लगता है ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है जो मुझे नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, या कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, एंड कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।